हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेचुरल सोर्सेस ऑफ ड्रग का पार्ट टू। इसे पहले पार्ट में हमने आपको बताया था प्लांट एज अ सोर्स ऑफ ड्रग और दूसरा हमने आपको बताया था एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मरीन सोर्स ऑफ ड्रग और दूसरा हम आपको बताएंगे प्लांट टिश्यू कल्चर एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मरीन सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में। मरीन सोर्स ऑफ ड्रग मतलब होता है ड्रग जब हमको ऑप्टेन होता है फ्रॉम द मरीन ऑर्गेनिज्म। मरीन ऑर्गेनिज्म मतलब सी और ओशंस में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मरीन ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और उनसे जो हमको ड्रग ऑप्टेन होता है उसको हम मरीन ड्रग्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं मरीन सोर्स के, जैसे कि सीवीड, सॉफ्ट कोरल, स्पॉन्जेस, फिशेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ये मरीन सोर्स के अंदर आते हैं, मीन्स ये सी और ओशंस में पाए जाते हैं, और इससे जो हमको ड्रग ऑप्टेन होता है उसको हम मरीन ड्रग्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ मरीन ड्रग्स के एग्जाम्पल लिए हैं और उनके सोर्सेस मीन्स वो कहाँ से ऑप्टेन होते हैं मरीन सोर्स से, उसके हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट मतलब होता है ऐसा ड्रग जिसको यूज़ किया जाता है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो कि हमको मरीन सोर्स से ऑप्टेन होते हैं, तो उसका हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन जो कि एक एंटीबायोटिक है जो हमको ऑप्टेन होता है स्पेसिफिक टाइप के मरीन फंगस जिसका नाम है सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम। इसके बाद हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है स्टामाइसिन एंड ANB। स्टामाइसिन ANB जो ऑप्टेन होता है फ्रॉम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ मरीन स्ट्रेप्टोमाइसिटिस, और ये स्टामाइसिन ANB इसको यूज करते हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मीन्स स्पेशली दोज बैक्टीरिया वो जो कि रेजिस्टेंस होते हैं टूवर्ड्स द एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है एंटीवायरल ड्रग्स का। एंटीवायरल ड्रग्स मीन्स ऐसे ड्रग्स जिसको हम वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम एंटीवायरल ड्रग्स कहते हैं। तो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है एंटीवायरल ड्रग का जो हमको ऑप्टेन होता है फ्रॉम द मरीन सोर्स, वो है एरा ए जिसको हम विडाराबीन भी बोलते हैं, और ये विडाराबीन ऑप्टेन होता है फ्रॉम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेबियन स्पॉन्ज जिसका नाम है टैथिया क्रिप्टा। उसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, दूसरा एग्जाम्पल है एवेरॉल एंड एवेरॉन। ये एवेरॉल और एवेरॉन ऑप्टेन होता है फ्रॉम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पॉन्ज जिसका नाम है डिसीडिया एवेरा, और इससे जो ऑप्टेन हमको एंटीवायरल ड्रग्स है एवेरॉल ये एवेरॉन इसको यूज़ किया जाता है, मीन्स ये एक्टिव होता है अगेंस्ट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। इसके बाद हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है एंटीवायरल ड्रग्स का, वो है फिकोडेन। ये ऑप्टेन होता है फ्रॉम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्राउन एल्गी जिसका नाम है फ्यूकस वेसिकुलोसस। ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंटी पैरासाइटिक ड्रग के। एंटी पैरासाइटिक ड्रग मतलब कि ऐसा ड्रग जो पैरासाइट को किल करता है और हमारे बॉडी से रिमूव करता है, तो उसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है डोमोइक एसिड। ये डोमोइक एसिड ऑप्टेन होता है फ्रॉम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेड एल्गी जिसका नाम है कॉन्ड्रिया अर्माता, और इसको यूज़ किया जाता है मीन्स डोमोइक एसिड को यूज़ किया जाता है एज एन एंथेलमेंटिक। एंथेलमेंटिक मतलब होता है ऐसा ड्रग जो हमारे बॉडी से जो पैरासाइट है मीन्स जो वॉर्म्स हैं उसको एक्सपेल आउट करता है, उसको किल करता है और हमारे बॉडी से रिमूव करता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है एंटी पैरासाइटिक ड्रग का, वो है अल्फा कैनिक एसिड। अल्फा कैनिक एसिड जो ऑप्टेन होता है फ्रॉम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेड एल्गा, और इसको यूज़ करते हैं अगेंस्ट राउंड वॉर्म एंड टेप वॉर्म। तो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्डियोवेस्कुलर एजेंट। कार्डियोवेस्कुलर एजेंट मतलब ऐसा ड्रग जो कार्डियक में एक्शन देता है मीन्स हार्ट में एक्शन देता है, एक्टिविटी शो करता है, उसको हम कार्डियोवेस्कुलर एजेंट कहते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है हमने लेमिनिन। लेमिनिन जो ऑप्टेन होता है फ्रॉम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ मरीन एल्गी, और क्या शो करता है ये हाइपोटेंसिव अफेक्ट शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्टापेमिन जो ऑप्टेन होता है फ्रॉम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑक्टोपस जिसका नाम है ऑक्टोपस वल्गैरिस। उसके बाद हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है स्पॉन्जोसिन। ये स्पॉन्जोसिन जो है ऑप्टेन होता है फ्रॉम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेबियन स्पॉन्ज जिसका नाम है क्रिप्टोथेटिया क्रिप्टा, और ये हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को रिड्यूस करता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है एंटीकैंसरस एजेंट। एंटीकैंसरस एजेंट मतलब ऐसा ड्रग जिस कैंसर को ट्रीट करता है, कैंसर को ठीक करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको हम एंटीकैंसरस एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला एग्जाम्पल लिया हुआ है एरासी। एरासी जिसको हम सिटाराबीन भी बोलते हैं, ये ऑप्टेन होता है फ्रॉम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेबियन स्पॉन्ज जिसका नाम है टैथिया क्रिप्टा, और इस एरासी को हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर को ठीक करने के लिए ये एरासी यूज़ किया जाता है, इसको हम सिटाराबीन भी बोलते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है ग्रेसिन एसिटेट।
क्रेसिन एसिटेट जो हम ऑप्टेन करते हैं फ्रॉम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉफ्ट कोरल, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉफ्ट कोरल का नाम है स्यूडोप्लेक्सियोरा पोरोसा। इसके बाद हमने नेक्स्ट कैटेगरी है लिया है, वो है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ड्रग्स जो हमको ऑप्टेन होता है फ्रॉम द मरीन सोर्स, उसका एग्जाम्पल है जिकोनोटाइड। ये जिकोनोटाइड ऑप्टेन होता है स्पेसिफिक टाइप के मरीन स्नेल से, मरीन स्नेल जिसका नाम है कोनस मैगस, और इस कोनस मैगस से ये जिकोनोटाइड ऑप्टेन होता है फ्रॉम द वेनम ऑफ मरीन स्नेल। तो ये हो गए डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मरीन ड्रग्स, और ये हमको कौन से सोर्स मीन्स कौन से मरीन सोर्स से ऑप्टेन होते हैं ये हमने बताया। इसके बाद हम नेक्स्ट सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में बात करेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। प्लांट टिश्यू कल्चर एज अ सोर्स ऑफ ड्रग को जानने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब होता है इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। इन विट्रो कल्टीवेशन मतलब किसी भी प्लांट्स के सेल टिश्यू या ऑर्गन को लेके उसको लैब में जब कल्टीवेट कराया जाता है मीन्स ग्रो कराया जाता है इन द प्रॉपर कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया मीन्स न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर एसेप्टिक कंडीशन, मीन्स कम्प्लीटली स्टराइल कंडीशन में उस प्लांट के सेल या टिश्यू को ग्रो कराया जाता है। स्टराइल कंडीशन मतलब कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर लाइट और प्रॉपर पीएच में इस प्लांट के सेल्स या टिश्यू को लैब में कल्टीवेट कराया जाता है इन द प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर एसेप्टिक कंडीशन, तो उसी को हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। ये प्लांट टिश्यू कल्चर बेस्ड होता है ऑन द टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी मतलब होता है एबिलिटी और पावर ऑफ द प्लांट सेल टू डेवलप इनटू द एंटायर प्लांट, मतलब हर एक प्लांट सेल की कैपेसिटी होती है कि वो मीन्स पावर होती है कि वो कंप्लीट एक एंटायर प्लांट में डेवलप हो सकता है, और उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये प्लांट टिश्यू कल्चर है। तो हमने यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर को समझाने के लिए यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। तो हमने यहाँ पे प्लांट का डायग्राम बनाया है। अगर किसी भी प्लांट का प्लांट टिश्यू कल्चर से उसको ग्रो करना है तो उस प्लांट का स्पेसिफिक पार्ट लिया जाता है, जैसे कि उसका रूट, फ्रूट, फ्लावर, लीफ को लिया जाता है टिश्यू कल्चर करने के लिए। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लीफ लिया है टिश्यू कल्चर के लिए, और कोई भी हम स्पेसिफिक पार्ट ले सकते हैं उस प्लांट टिश्यू कल्चर, स्पेसिफिक प्लांट का टिश्यू कल्चर करने के लिए। तो सबसे पहले जो पार्ट हम यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर के लिए उसको हम एक्स प्लांट मटेरियल बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे लीफ लिया है, तो लीफ यहाँ पे एक्ट करेगा ऐसा एक्स प्लांट मटेरियल। सबसे पहले इस लीफ का सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है। सरफेस स्टरलाइजेशन मतलब इसके सरफेस को कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है बाय यूजिंग स्पेसिफिक केमिकल, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड से इसके सरफेस को कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्योंकि जैसे भी हमने एग्जाम्पल में बताया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर को हम कम्प्लीटली एसेप्टिक कंडीशन या स्टराइल कंडीशन में यूज़ करते हैं, इसी कारण से कोई भी चीज़ या कोई भी स्टेप है वो फॉलो करते हैं अंडर स्टराइल कंडीशन। तो यहाँ पे एक्सप्लांट मटेरियल का सरफेस स्टराइलाइजेशन करने के बाद उसको स्टराइल नाइफ से उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया जाता है, जिसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं। एक्सप्लांट के बाद इस जो एक्सप्लांट को हम ट्रांसफ़र करते हैं इन द कल्चर फ्लास्क। इस कल्चर फ्लास्क में एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया प्रेजेंट होता है, और ये न्यूट्रिएंट मीडियास में कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है उस प्लांट टिश्यू के ग्रो और डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये न्यूट्रिएंट मीडिया में इस एक्सप्लांट को जब ट्रांसफ़र करते हैं अंडर एसेप्टिक कंडीशन तो उस प्रोसेस को हम इनोकुलेशन कहते हैं। और इसके बाद मीन्स इनोकुलेशन के बाद इस कल्चर फ्लास्क को इंक्यूबेट किया जाता है, मीन्स इंक्यूबेशन के लिए रख दिया जाता है, मीन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लग जाता है प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर टेम्परेचर में, और इसी को हम इंक्यूबेशन कहते हैं। इंक्यूबेटर में रखने के बाद कुछ हफ्तों बाद ये जो प्लांट टिश्यू है उसमें सेल का मल्टीप्लाई होता है, ग्रो होता है और एक मास ऑफ सेल में कन्वर्ट होता है, और ये जो मास ऑफ सेल बना है इसको हम कैलस बोलते हैं, और ये कैलस जो है मास ऑफ अनऑर्गेनाइज सेल कहलाता है, और ये कैलस फर्दर डेवलप होता है रूट और शूट में, मीन्स इस कैलस में रूट और शूट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है जिसको हम प्लांटलेट्स कहते हैं। और ये प्लांटलेट्स जो है इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं इन द पॉट, और ये पोटेड प्लांट को फिर मेन फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी प्लांट्स के टिश्यू या सेल या ऑर्गन को लेके एक कंप्लीट प्लांट में उसको रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया प्लांट टिश्यू कल्चर। अब हम आप बताते हैं आपको प्लांट टिश्यू कल्चर एज अ सोर्स ऑफ ड्रग, मीन्स कैसे प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक करके किसी भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट या बायो एक्टिव मेटाबोलाइट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, किसी भी ड्रग को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है।
कोई भी अगर प्लांट का स्पेसिफिक पार्ट को लेके उसका टिश्यू कल्चर करते हैं तो कैलस फॉर्मेशन होता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने से हमने जैसे आपको बताया अभी, कैलस फॉर्मेशन के बाद फिर उस कैलस का, क्योंकि कैलस बहुत ही सॉफ्ट होता है तो उसको शेक और एजिटेट किया जाता है। शेक और एजिटेट करने से ये कैलस जो है ब्रेक हो जाता है इन द इंडिविजुअल सेल, और ये इंडिविजुअल सेल को सस्पेंडेड फॉर्म में, मीन्स इसको सस्पेंड किया जाता है, मीन्स इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इन द न्यूट्रिएंट मीडिया, एक कंटेनर में या एक वेजल में, और इस वेजल को हम बायो रिएक्टर कहते हैं। और इस वेजल में जो कैलस जो सस्पेंडेड फॉर्म है जिसको ब्रेक करके इंडिविजुअल सेल में कन्वर्ट कर दिया गया है, ये सेल को हम इसमें सस्पेंडेड फॉर्म में रख देते हैं और उसके बाद इसको कल्चर किया जाता है, और इसी को हम सेल सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। और ये सेल जो है ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया में, मीन्स प्रोडक्शन मीडिया में, न्यूट्रिएंट मीडिया में ये ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन करता है। और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट मतलब बायोएक्टिव मेटाबोलाइट, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट या बायोएक्टिव मेटाबोलाइट मतलब ऐसा केमिकल जो कि हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है मेडिसिनल इफेक्ट, कह सकते हैं थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए। तो ये जो है सेल जो है स्पेसिफिक जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। जैसे कि एग्जांपल स्पेसिफिक हमने इसलिए बोला, अगर वो रॉल्फिया का रूट का सेल है, यहाँ पे मतलब अगर बायोरिएक्टर में रॉल्फिया के रूट का अगर सेल है तो वो रेजपिन प्रोड्यूस करेगा, मीन्स रेजपिन की सिंथेसिस होगी। और अगर ये सेल जो है सेना के लीव का है तो वो सेनासाइट प्रोड्यूस करेगा इन द न्यूट्रिएंट मीडिया, और इस तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन होगा। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन होने के बाद, मीन्स यहाँ पे सिंथेसिस होगी सेल में, इसके बाद हम इस न्यूट्रिएंट मीडिया से इसको इजिली आइसोलेट कर सकते हैं, इसलिए एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट को। तो इस तरीके से किसी भी प्लांट के सेल, स्पेसिफिक प्लांट के पार्ट के सेल को लेके हम कोई भी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट या ड्रग का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर का कुछ एप्लीकेशंस बताए हैं। एप्लीकेशंस में हमने यहाँ पे सबसे पहले बताया प्रोडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ प्लांट। तो जैसा हमने बताया यहाँ पे प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट को लेके उसको कंप्लीट एक नए प्लांट में रीजनरेट कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज। एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज मतलब ऐसे प्लांट स्पीसीज जिसके स्मॉलेस्ट पार्ट को या टिश्यू को लेके हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं उस एंडेंजर्ड प्लांट के। तो उस इस तरीके से हम टिश्यू कल्चर टेक्निक से एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज का हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। कोई भी प्लांट का स्पेसिफिक पार्ट को लेके हम ड्रग का, मीन्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं इन द लार्ज स्केल यूजिंग बायो रिएक्टर। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल लिए हैं डिजिटलिस। डिजिटलिस के लीफ के सेल को लेके हम डिगॉक्सिन बना सकते हैं। उसके बाद हम रॉल्फिया के रूट के सेल को लेके उसका बायोरिएक्टर में उसका कल्चर करते हैं तो रेजपिन का प्रोडक्शन हो सकता है बाय द सस्पेंशन कल्चर। उसके बाद एट्रोपा बेलाडोना के लीफ से हम एट्रोपिन लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हैं इन बाय द हैरी रूट कल्चर। उसके बाद नेक्स्ट है पपाया से पपेन प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द सेल कल्चर टेक्निक। तो ये हो गया एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस एंड डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम ऐसे प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं जो कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट और डिजीज रेजिस्टेंट हो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड प्लांट हम लोग डेवलप कर सकते हैं बाय द प्लांट टिश्यू कल्चर, मीन्स किसी भी प्लांट के, मीन्स दो प्लांट स्पीसीज के सेल को या प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके एक नया सेल बनाते हैं जो फ्यूज्ड सेल, और ये फ्यूज्ड सेल को टिश्यू कल्चर टेक्निक से उसको एक कंप्लीट प्लांट में डेवलप कर सकते हैं और ये प्लांट हाइब्रिड प्लांट कहलाता है। उसके बाद रीजनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। रीजनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब किसी भी प्लांट के सेल में जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं, डिजायर जीन को इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद उस सेल को, मीन्स जेनेटिकली जो मैनिपुलेटेड सेल है उसको फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक से उसको ग्रो कराया जाता है। तो वो जो प्लांट उससे डेवलप होगा उस सेल से उसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। तो ये एप्लीकेशन हुए प्लांट टिश्यू कल्चर के, और हमने आपको बताया कि कैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन होता है बाय द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। तो हमने पढ़ लिया आज के वीडियो में मरीन सोर्स ऑफ ड्रग, और दूसरा हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू कल्चर एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रूड ड्रग्स एंड द टाइप ऑफ क्रूड ड्रग्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। थैंक यू।